है माप तौल के एसआई मात्रक और उसके संकेत, जितने भी तरह के होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। चाल या वेग, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कोणीय वेग, ठीक है। अब देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। चाल या वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। समय का क्या होगा, सेकेंड। क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर्ड, यानी कि इसको वर्ग मीटर बोला जाता है, मीटर स्क्वायर्ड। आयतन का क्या होगा, घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। कोणीय वेग का क्या होगा, कोणीय वेग का तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, चाल या वेग का मीटर पर सेकेंड, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपका एसआई मात्रक। आपको ये सब को अच्छी तरह से याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है, वो होता है हर्ट्ज, यानी कि एच जेड। संवेग, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, वो होगा न्यूटन सेकेंड। कोणीय वेग होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पृष्ठ तनाव क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, इस तरह से। तो अब देखिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक एच जेड यानी हर्ट्ज, संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड, कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। ये सबको आपको याद करना बेहद जरूरी होगा। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तरंग दैर्ज का ऐसा मात्रक क्या होगा, एंगस्ट्रम, जिसको सूचित करते हैं इस तरह से। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक तो आप लोगों को पता ही है, किलोग्राम केजी। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक इसका भी होता है जूल। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बताते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, वो होगा एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को सूचित करेंगे कैपिटल ए से। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम्ब, इसको सूचित करेंगे कैपिटल सी से। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, इसको सूचित करेंगे ओमेगा से। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैपेसिटेंस से, फैराडे, फैराडे, इसको सूचित करते हैं कैपिटल एफ से। विभवांतर, इसको सूचित करते हैं वोल्ट होता है, वी ओ एल टी, इसको सूचित करते हैं वी से। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। तो फिर अब देखें बल का ऐसा, बल यानी कि फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को सूचित करते हैं एन से। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल, यानी कि पी से सूचित करते हैं पास्कल। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है वाट, इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम वर्ग मीटर।
उष्मागतिक ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। अब देखिए आपको उष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा? हेनरी, जिसको कि एच से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर यानी कि W सूचित करते हैं। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन, जिसको कि LM से सूचित करते हैं। प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, जिसको कि LX से सूचित करते हैं। यानी कि ये सब रहा आपका मात्राओं के एसआई मात्रक और उसके संकेत। आई होप कि आप लोगों ने इसका नोट बना लिया होगा और इसको याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम समझते हैं कि रूपांतरण किस तरह से होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मात्रक का रूपांतरण किस तरह से करना है। माप तौल में मात्रक का, एक मात्रक का दूसरे मात्रक में रूपांतरण, जिसको कि मात्रक रूपांतरण बोलेंगे। मात्रक रूपांतरण एक इंच को बदलना किसमें? मीटर में। देखिए एक इंच है, एक इंच में इसको, एक इंच में क्या होता है? एक इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसी को हम बदलेंगे मिलीमीटर में, तो क्या होगा? 254 मिलीमीटर। एक फुट में जो होता है 12 इंच होता है, 12 इंच का होता है एक फुट, जो कि लगभग में इसको यदि हम गुना करेंगे 12 से तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 12 चौका 48 और 12 पंचे 60, 4 64 और 12 दुना 24 और 36, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। और इसको बदलें मिलीमीटर में तो क्या होगा? तो 304.8 मिलीमीटर। इसी को यदि मीटर में बदला जाए तो क्या होगा? तो 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब को याद करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, या फिर इसको समझ लीजिए। एक इंच बराबर, एक इंच में देखिए 2.57 सेंटीमीटर होता है और एक सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि 254 मिलीमीटर एमएम बोल सकते हैं। अब देखिए एक फुट, एक फीट में होता है 12 इंच। अब चूंकि एक इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, इस वजह से 12 इंच में कितना होगा? 30.48 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। इसी को यदि मिलीमीटर में ले जाएंगे तो 304.8 मिलीमीटर, इसी को ले मीटर में तो 0.3 मीटर। ये आपका अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। एक फैदम में होता है 6 फीट होता है, 6 फीट का बोलते हैं एक फैदम। और एक अर्घ, अर्घ देखिए वो ऊर्जा का CGS मात्रक है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो एक अर्घ का रूपांतरण किस में होगा? जूल में। तो अब देखिए चूंकि एक जूल बराबर होता है 10^-7, 10^7 अर्घ होता है, 10^7 अर्घ। अब चूंकि अब अर्घ को हम को बदलना है जूल में, तो एक अर्घ बराबर 10^-7 जूल, इस तरह से होगा। अब देखिए ये डाइन जो है ये बल का CGS मात्रक है, ये डाइन जो है ये बल का CGS मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, इस वजह से एक डाइन बराबर 10^-5 न्यूटन, इस तरह से। तो आपने ये सब को समझ लिया अच्छी तरह से,
इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए और इसका आप अलग से एक नोट्स भी तैयार करते जाइए बिल्कुल साथ साथ। आप लोग को आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और के बारे में बात करते हैं। पहला यह गज, गज मील, नॉटिकल मील, फैदम, पाउंड, ये सब देखिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। गज यानी हमारे इधर कपड़ा जो बिकता है, कपड़ा जो माप करके बिकता है, लंबाई का ये मात्रक है गज। और एक गज में जो होता है 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर होता है एक गज, जबकि एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसी को यदि मीटर में बदला जाए तो क्या होगा, 0.91 मीटर, वो क्या होगा, एक गज हो जाएगा। अब देखिए मील 1.6 किलोमीटर, वो बोलेंगे एक मील। नॉटिकल मील में क्या होता है, 1.852 किलोमीटर, को बोलेंगे क्या, नॉटिकल मील। अब देखिए नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्री दूरियों को मापने के लिए किया जाता है जहाज़ों पे, ठीक है। अब देखिए फैदम, तो एक फैदम में कितना होता है, 6 फीट होता है, 6 फीट होता है। इसी को यदि हमको मीटर में बदलना होगा तो कितना होगा, तो एक फीट में जो होता है मीटर में तो 0.3 मीटर, तो 1.8 मीटर हो जाएगा। पाउंड में देखिए 453 ग्राम का होता है एक पाउंड, जैसे कि लगभग में आधा किलोग्राम के बराबर होता है एक पाउंड, यानी 453 ग्राम के बराबर होता है एक पाउंड। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चेन, चेन का मतलब कि जिससे हम लोग ज़मीन को मापते हैं तो उसको बोला चेन। एक चेन में जो होता है वो 20.11 मीटर का होता है, कितना, एक चेन होता है। एक फाउंडल में कितना होता है, 0.1383। अब ये फाउंडल किसका मात्रक है, वो जो है ये मात्रक है बल का, इसलिए ये होगा न्यूटन, 1383 न्यूटन। एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम में जो होता है वो होता है 10^-10 मीटर। और एक औंस, औंस है 28.35 ग्राम, इस तरह से। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक चेन में होता है कितना, 20.11 मीटर, एक फाउंडल में होता है 0.1383 न्यूटन, एक एंगस्ट्रम में होता है 10^-10 मीटर, और एक औंस में होता है 28.35 ग्राम। तो इस तरह से आपको क्या पता चला, चेन जो है लंबाई का मात्रक है, फाउंडल बल का मात्रक है, एंगस्ट्रम ये भी लंबाई का मात्रक है, और औंस यह द्रव्यमान का मात्रक है। यहाँ पे एक ड्रेम, ड्रेम जो होता है वो होता है द्रव्यमान का ऐसा है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, ऐसा है मात्रक मात्रक होता है। एक ड्रेम में जो होता है 1.77 ग्राम होता है। ग्रेन, यह भी द्रव्यमान का ही मात्रक है, एक ग्रेन में 64.8 मिलीग्राम होता है। पिंट, यह लिक्विड का मात्रक है, एक पिंट में होता है 0.56 लीटर, यानी कि आधा लीटर के बराबर में। एक लीटर, लीटर जो बनता है वो सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा में जितना लिक्विड आ सके उसी को बोलेंगे एक लीटर, जो कि होगा 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 घन सेंटीमीटर। एक एकड़ यानी कि 100 मीटर स्क्वायर को बोलेंगे एक एकड़, और जो कि इतना रहेगा। उसका देखिए हेक्टेयर, 10^4 मीटर स्क्वायर को बोलेंगे एक हेक्टेयर। तो इस तरह से आपका ये रहा टोटल।